आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा ऑनियन सलाद। लच्छा ऑनियन सलाद सभी डिशेस का जो टेस्ट होता है कई गुना बढ़ा देता है। इसे आप दाल चावल के साथ सर्व करें, छोले भटूरे के साथ सर्व करें या फिर किसी स्पेशल डिश के साथ सर्व करें। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं और अब इन प्याज को हमें मोटा मोटा कट करना है और इसे हमें गोलाकार देना है। प्याज कट करने के बाद जो इसकी रिंग्स हैं उसे हम अलग अलग कर लेंगे, यानी इसके सभी लच्छे हमें निकाल लेने हैं और बीच का जो सेंटर पार्ट है वो हमें हटा देना है। ये देखिए, इस तरीके की अगर आपको दो मुंह वाली प्याज मिले तो वो इसमें हमें यूज़ नहीं करनी है। अगर ये सलाद आप थोड़ी देर बाद सर्व करने वाले हैं, यानी 10-15 मिनट बाद सर्व करने वाले हैं, तुरंत सर्व नहीं कर रहे हैं, तो प्याज को कट करने के बाद आप एक बोल में ठंडा पानी लें, एकदम चिल्ड पानी, उसमें प्याज को रखें और उसके बाद इसमें मसाले मिक्स करें। ऐसा करने से जो प्याज है वो ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश बनी रहेगी। आप चाहें तो जो बोल में ठंडा पानी ले रहे हैं उसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब इस सलाद में मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। मिर्ची हमें थोड़ी कम तीखी वाली लेनी है और इसका बीज हमें हटा देना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक नींबू कट कर लिया है। तो चलिए अब फाइनली जो हमारा लच्छा प्याज है उसे रेडी कर लेते हैं मसाले डालकर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, ये तीखी कम होती है, तो ये मैं 1/3 चम्मच डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डालें। 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे काला नमक, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। 2 पिंच इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस। अब हमने जो हरी मिर्च कट करके रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर अभी चाट मसाला नहीं डाला है, आप चाहे तो चाट मसाला अभी डाल सकते हैं या फिर सर्व करने से पहले भी डाल सकते हैं। तो ऑनियन में हम सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम इस पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनिया हमें पहले से नहीं डालना है, बाद में ही डालना है। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा लच्छा प्याज सलाद बनकर अब तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, देखने में कितना सुंदर दिख रहा है ये सलाद। देखने में तो अच्छा दिख ही रहा है, ये खाने के स्वाद को भी कई गुना बढ़ा देगा। तो आप भी इसे बनाएं और खाने के साथ सर्व करें। दाल चावल, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। कई गुना खाने का टेस्ट बढ़ जाता है इसके साथ।